टाटा की कार्स का काजीरंगा एडिशन आ गया है, जिनमें आपको थोड़े बहुत अपग्रेड्स मिलते हैं इनकी लुक्स में, इनके फीचर्स में, लेकिन जब प्राइस में आपको इंक्रीज मिलता है कुछ ज्यादा ही वेरिएशन में, किन्हीं गाड़ियों में बहुत ही ज्यादा है, किन्हीं में बहुत ही कम है। और ये जो काजीरंगा एडिशन है इंस्पायर्ड है इंडिया के रिच फ्लोरा और फौना से। और अगर आपको नहीं पता कि फ्लोरा और फौना क्या होता है तो पढ़ लो जाके। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, हमारा 5,50,000 सब्सक्राइबर का एम है Feb 2022 का, 5,41,000 हो गया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, करके देखो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता और मुझे भी नहीं पता था, तो जो काजीरंगा सामने एक जगह है जो कि फेमस है अपने वन हॉर्न्ड राइनो के लिए, और मुझे लगा कि हिरन वीरन के लिए फेमस है। तो जो सबसे छोटी गाड़ी है जिसमें काजीरंगा एडिशन आया उसका नाम है टाटा पंच, जिसमें आपको थोड़े बहुत डिफरेंस मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल गाड़ी, जिसमें अगर आप सामने देखें तो सामने आपको जहाँ पे एक क्रोम की लाइन मिलती है टाटा पंच के सामने, वो आपको इसमें पूरी ब्लैक मिलती है। जो सामने का बंपर है वो आपको एग्जैक्टली सेम मिलता है, और जो लाइट्स है वो भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलती है। साइड में अगर आप देखें तो आपको वही 16 इंच वाले अलॉयज मिलते हैं, लेकिन उनमें आपको डार्क थीम मिलती है एज कम्पेयर टू क्रोम और ब्लैक वाली। आपको पूरी बॉडी में एक नया कलर मिलता है जो कि बहुत ही यूनिक सा है और मुझे बहुत ही पसंद आया भाई, काफी ऐसे महंगा सा लग रहा है, रोल्स रॉयस टाइप का। और साथ ही में साइड में इस गाड़ी में आपको गैंडे का बैज मिलता है जो कि अच्छा लग रहा है भाई। छत आपको पूरी ब्लैक मिलती है, और साथ ही में जो रूफ रेल है वो भी आपको ब्लैक मिलते हैं। और बाकी अगर आप आते हैं इसके इंटीरियर में तो उसमें आपको थोड़े बहुत डिफरेंस मिलते हैं, जिसमें जो डैशबोर्ड है उसमें आपको नई ब्राउन ट्रिम मिलती है जो कि थोड़ी डिफरेंट लगती है, थोड़ी अलग लगती है और काफी सेक्सी लग रही है। और जो उसके ऊपर है आपको थोड़ी वुड वाली ट्रिम मिलती है जो कि थोड़ी और बढ़िया लग रही है। जो उसका स्टीयरिंग व्हील है उसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। जो इस गाड़ी के सीट कवर है वो भी आपको डिफरेंट कलर के मिलते हैं जो कि अर्दली ब्राउन, साथ ही में ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। अर्दली ब्राउन मिट्टी का कलर है भाई, मिट्टी से जुड़ जाओगे इस पर अगर आप बैठोगे। और इस वाली गाड़ी में टाटा पंच में आपको जो काजीरंगा एडिशन है सिर्फ इसके क्रिएटिव वाली लाइन में मिलने वाला है जो कि इसकी टॉप एंड स्पेक लाइन है। और जो इसका प्राइस डिफरेंस है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाला वर्जन वो है 20,000 रुपए का, जो कि मैं मानता हूँ कि टोटली वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आपको जो अपग्रेड्स मिल रहे हैं वो काफी तगड़े हैं, तो भाई बिल्कुल वाजिब है। फिर जो इसके ऊपर वाली गाड़ी है जिसमें आपको काजीरंगा एडिशन मिलता है वो है टाटा नेक्सॉन, जिसमें आपको और थोड़े अपग्रेड मिलते हैं। जैसे आपको सामने जो गाड़ी की लुक्स है वो थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही होगी, जो कोई भी इस गाड़ी में आपको पहले क्रोम मिलता था अब इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता। साथ ही में जो नॉर्मल वाली नेक्सॉन है उसमें आपको जो सामने की ग्रिल है उसमें आपको थोड़ी बहुत क्रोम एक्सेंट मिलते थे, इस गाड़ी में आपको बिल्कुल नहीं मिलते। जो इसके सामने की स्किन प्लेट है आपको थोड़ी और डार्कर मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाला वर्जन। और साइड में अगर आप आए तो आपको जो अलॉयज है वो तो आपको सेम मिलते हैं, लेकिन आपको पूरे ब्लैक मिलते हैं 16 इंच के। जो इसके ओआरवीएम है वो आपको ब्लैक मिलते हैं, जो इसकी छत है आपको ब्लैक मिलती है, साथ ही में जो इसके रूफ रेल है आपको ब्लैक मिलते हैं। और इस गाड़ी की जो ह्यूमैनिटी लाइन है जो कि एक ऐसे पट्टी सी होती है जो कि इसकी जो विंडोज है उसके नीचे ऐसे होती है, वो आपको पूरी ब्लैक मिलती है इसमें, जो कि नॉर्मल वाले वर्जन में आपको ग्रे मिलती है। अरे हाँ, जो गैंडे का बैज है वो तो भूल ही गए, आपको गैंडे का बैज मिलता है, और आपको बढ़िया वाला जो कलर है काजीरंगा वाला वो आपको मिलता है। इंटीरियर में आपको इस वाली गाड़ी में वेंटिलेशन वाली सीट्स मिलती है सामने को ड्राइवर के लिए और ड्राइवर के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। आपको अब इस गाड़ी में एयर प्यूरिफायर मिलता है इस वाले वर्जन में। दोस्तों आपको शायद पता ना हो कि जो ह्यूंडई और किया की जो गाड़ी है जिनमें आपको 2-3 स्टार की रेटिंग मिलती है उसमें 2 स्टार तो सिर्फ उसके एयर प्यूरिफायर के लिए होते हैं, तो अब इस गाड़ी में आपको वो भी मिलता है। इसके डैशबोर्ड में आपको लकड़ी वाली ट्रिम मिलती है जो कि थोड़ी और कूल लगती है। आपको नया इलेक्ट्रोक्रोमिक आईआरवीएम मिलता है जो कि XUV700 के टॉप एंड स्पेक में भी नहीं आता, लेकिन इस गाड़ी में आ रहा है। साथ ही में जो इसकी सीट है उनमें आपको अर्दली बेज और आपको ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। और जो इसकी सीट है उसके ऊपर गैंडा बना हुआ है जो कि काफी सही है। और अगर आपको नेक्सॉन में काजीरंगा एडिशन लेना है तो इसमें आपको इसके एक्सजेड प्लस वाली लाइन में ये वाला वर्जन मिलने वाला है, और इसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे वो है 1.6 लाख रुपीस, जिसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती भाई। 1.6 लाख रुपीस, 1.6 लाख का डिफरेंस है भाई, इतने में तो आप किसी और थोड़ी महंगी वाली गाड़ी में जा सकते हो। फिर आती है ऐसे बड़ी गाड़ी जिसका नाम है हैरियर, जिसमें आपको नया जो काजीरंगा एडिशन है वो आपको मिलता है, जिसमें आपको वही बढ़िया वाला कलर मिलता है। सामने जो इस गाड़ी की स्किड प्लेट है आपको थोड़ी और डार्कर मिलती है, साइड में आपको 17 इंच के लॉयस मिलते हैं जो कि पूरे ब्लैक है, और आपको डार्क एडिशन वाले 18 इंच वाले नहीं मिलते, जो कि थोड़ी खराब बात है। आपको गैंडे का बैच मिलता है साइड में, और साथ ही में आपको ओआरवीएम ब्लैक मिलते हैं, आपको छत पूरी ब्लैक मिलती है। और जो इसके साइड के डोर हैंडल है जो कि आपको नॉर्मल क्रोम के मिलते हैं इसमें आपको ब्लैक मिलते हैं। और इसकी काजीरंगा एडिशन में आपको IRA कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे इस गाड़ी को आप जैसे एड्रिनो एक्स आता है XUV700 में या फिर ब्लू लिंक आता है Hyundai की कार्स में, इस गाड़ी में आपको नई टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे आप अपनी गाड़ी को अपने फोन से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं उस वाले ऐप को इंस्टॉल करके। और साथ ही में जो इसका इंटीरियर है उसमें आपको डैशबोर्ड में नई वाली बोट ट्रिम मिलती है जो कि काफी सही लगती है, काफी रियल लग रही है। साथ ही में जो इसका इंटीरियर है उसमें आपको
वही थोड़ी लाइटर बेज वाली, साथ ही में आपको ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि अर्थली बेज है, काफी सेक्सी लग रहा है। आपको सामने की दो सीटों में वेंटिलेशन मिलता है जो कि अभी तक इस गाड़ी में नहीं आता था, और साथ ही में जो बाकी सारे फीचर है वो आपको सेम मिलते हैं। और इस वाली गाड़ी में या फिर हैरियर में अगर आपको काजीरंगा एडिशन लेना है तो आप इसके एक्सेड प्लस वाले वर्जन में ले सकते हैं, जिनमें आपको जो एडिशनल प्राइस पे करना पड़ेगा वो है 65,000, जो कि मेरे ख्याल से फिर भी वर्थ इट है क्योंकि आपको नई लुक्स मिल रही है, आपको वेंटिलेशन वाली सीट्स मिल रही है जो कि भाई काफी सही चीज है, आपको एयर प्यूरिफायर मिलता है, और जो सबसे महंगी गाड़ी है जिसमें आपको काजीरंगा एडिशन मिलता है वो है टाटा सफारी, जिसमें आपको जो अपग्रेड्स है सामने या फिर एक्सटीरियर में आपको सेम मिलते हैं जैसे हैरियर में आते हैं, जिसमें आपको नया कलर मिलता है, आपको घंटे का बैज मिलता है, छत आपको पूरी ब्लैक मिलती है, जो इसके रूफ रेल है आपको पूरे ब्लैक मिलते हैं, जो इसके ओआरवीएम है आपको पूरे ब्लैक मिलते हैं, 18 इंच के जो अलॉयज है वो भी आपको पूरे ब्लैक मिलते हैं, लेकिन जो इस गाड़ी का इंटीरियर है उसमें आपको अपग्रेड्स मिलते हैं वैसे वाले जैसे हैरियर में आते हैं, जिसमें आपको जो कलर है सीट्स का वही मिलता है अर्दली बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, साथ ही में जो इसका डैशबोर्ड है उसमें आपको वुड वाली ट्रिम मिलती है, जो इसकी सीट है उसमें आपको गैंडे का बैज मिलता है जो कि और कूल लगता है, और बाकी जो गाड़ी एग्जैक्टली सेम है। और अगर आपको सफारी में काजीरंगा एडिशन लेना है तो आप इसके एक्सेड प्लस वाले वर्जन में ले सकते हैं, जिनके लिए आपको जो एडिशनल प्राइस पे करना पड़ेगा वो है 22,000 रुपए, जो कि मैं मानता कि टोटली वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें आपको जो अपग्रेड्स मिलती है बिल्कुल बढ़िया आप ले सकते हैं। और यही था टाटा का काजीरंगा एडिशन, और हम तो भाई थक चुके हैं बोल बोल के महिंद्रा को कि अपनी XUV700 का सिग्मा एडिशन लॉन्च कर दो, सारे लोग लेंगे। टाटा ने गोल्ड एडिशन, एडवेंचर एडिशन, कैमो एडिशन, साथ में और कौन सा था, एडवेंचर एडिशन, डार्क एडिशन, ये काजीरंगा एडिशन, भाई क्या क्या लॉन्च कर दिया। आप सिग्मा एडिशन लॉन्च कर दो, पूरी सेल्स कवर हो जाएगी भाई।